शाहिन कंदल गली से लेकर हाजिर हैं दिवाली की रौनक दिखाने के लिए। ग्राहकों की कतार आप देखें, रंग बिरंगे कंदल खरीदने के लिए देर रात भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो बाजारों में दिवाली की खरीदारी को लेकर क्या रौनक है, सबसे पहले हम शो में आपको वही दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली से सबसे पहले आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। धनतेरस का दिन है, सोने चांदी के खरीदारी के साथ साथ और किन किन वस्तुओं की खरीदारी को लेकर ग्राहकों में उत्साह नजर आया, मेरी सहयोगी प्रेरणा शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। हम इस वक्त लाजपत नगर के रामकृष्ण ज्वेलर्स में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि आज धनतेरस है और ऐसे में किस तरह की जो भीड़ है लोगों की यहाँ पहुँची है। लोग लगातार यहाँ पे रिवाज होता है कि सोने चांदी लोग खरीदते हैं सबसे ज़्यादा धनतेरस पे, तो ऐसे में कई लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेघा। क्या खरीद रही है? आपने पूरा पहन रखा है ऐसे? मेरी शादी है तो मैं पूरा ब्राइडल ज्वेलरी खरीद। तो धनतेरस का दिन चुना आपने? यस, बहुत अच्छा दिन है तो मैंने ये दिन चुना और ये शुभ रहता है और शादी तो वैसे ही अच्छा ओकेजन है। सर आपका नाम? सुजीत कुमार। क्या लेने आए हैं आज धनतेरस पे? सिल्वर कॉइन। तो सिल्वर कॉइन का सबसे ज्यादा ऐसे रिवाज होता है तो इसलिए लेने आए हैं। इस बार सोने चांदी दोनों के ही जो रेट्स हैं उसमें बढ़ावा हुआ है बहुत ज्यादा, तो क्या कहना चाहेंगे? लेना तो है फिर भी जी, लेते हैं। धनतेरस है, इससे भावनाएं जुड़ी होती हैं तो लेना है। अब थोड़ा कम ले रहे हैं, बिट ले रहे हैं। पर धनतेरस में रिवाज होता है कि लोग बर्तन भी खरीदते हैं। अब देख सकते हैं कितनी जो है यहाँ पे भीड़ है, चारों तरफ जो है भीड़ देखने को मिल रही है लोगों की और जो लंबी कतारें हैं वो लगी हुई हैं लोगों की। और हम यहाँ बात करेंगे पहुंचे कुछ कस्टमर्स से भी कि क्या कहना है उनका। मैम क्या नाम है आपका? पालोमा। क्या लेने आई हैं आज? प्रेशर कुकर या कुछ ऐसा ही भगोना। तो धनतेरस में अक्सर ऐसा रिवाज होता है कि कुछ बर्तन खरीदने का, इसी नाते लेने आई हैं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए, बिकॉज इट्स अ रिचुअल और मोस्टली लोग खरीदते हैं तो इसीलिए ऑस्पिशियस माना जाता है दिवाली से पहले और एक ओकेशन भी हो जाता है। भीड़ के बारे में क्या कहना है? ज्यादा रश है, सो इट्स बेटर कि आए और अपना काम करे एंड जस्ट गेट आउट ताकि भीड़ मतलब कम होती रहे। मैम क्या नाम है आपका? इंद्रानी सेन गुप्ता। क्या लेने आई हैं और क्या कहना चाहेंगी? आज धनतेरस है, क्या एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ होता है, इसलिए हम बर्तन लेने आए हैं जी। हाँ हमारे साथ ओनर भी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अंशुल डावर। क्या कहना चाहेंगे, कैसा मार्केट चल रहा है, लोगों में का मूड कैसा है? आपने कवर करा, आपको मार्केट का सेंटिमेंट पता चल रहा है कितना अच्छा है जी। तो सबसे ज्यादा डिमांड क्या चीज की है? स्टेनलेस स्टील की है, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स हैं और अगर आप देखेंगे पीतल वगैरह की पूरी रेंज है, ब्रास है, कॉपर है, तो सब ये प्रेशियस मेटल में आते हैं जो लोग धनतेरस पे यूज करना चाहते हैं। हम इस वक्त महिंद्रा शोरूम में मौजूद हैं और आज जो धनतेरस है ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे, कई सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं गाड़ियाँ खरीदने के लिए, तो हम इनसे बात करेंगे कि आज की जो मूड है वो कैसी है। मैम क्या नाम है आपका? रीटा लुर्राय। कैसा मूड है आज का, धनतेरस है आज? वेरी हाई। ओके, सो क्या खरीद रही हैं आप? हम XUV 700 महिंद्रा की ले रहे हैं। ये आपका नाम? मंजीत। कितने एक्साइटेड हो आप आज, आप नई कार लेके जा रहे हो धनतेरस के दिन? काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, तो सबसे पहले क्या करने का इरादा है कार लेने के बाद? पहले बैठेंगे उसमें, ड्राइव करेंगे, थोड़ा घूम के आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। धनतेरस के दिन वो कार्स की डिलीवरी ले रहे हैं और ये उनके लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट का माहौल है यहाँ पे जो है शोरूम्स में। नई दिल्ली से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। राजधानी भोपाल में धनतेरस पर बाजार पूरी तरीके से गुलजार है और आने वाले दीपोत्सव के लिए तमाम लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं बाजार में कैसा है बाजार इस बार। मैडम कई लोग पहुंचे हुए हैं और जो पूछते कैसा है इस बार का बाज़ार? बढ़िया बाज़ार है, एकदम मज़ा आ रहा है, चकाचौंध रौनक है, अच्छा लग रहा है शॉपिंग करते हुए। मैं तो काफ़ी टाइम बाद शॉपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, दियो को लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है, आपको क्या लग रहा है दियो के बाज़ार में पिछले बार की अपेक्षा किस तरीके से बाजार को देख रहे हैं? नहीं अच्छा लग रहा है, वैरायटीज ऑफ दियाज है तो अच्छा है, मतलब काफ़ी रौनक है, चहल पहल है तो अच्छा लग रहा है। मैडम कैसा बाजार देख रहे हैं इस बार, आप काफ़ी देर से शॉपिंग कर रहे होंगे, क्या दिखाई दी आपको? काफ़ी कलरफुल और एक्साइटिंग है इस बार, वैरायटी भी ज़्यादा है बट हाँ महंगाई थोड़ी ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा? हाँ थोड़ा सा। त्योहारों पे लोग महंगाई कम देखते हैं और खरीदारी जम के करते हैं, ऐसा कुछ रहता है? बट फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगा। किस चीज़ों में आपने महंगाई ज़्यादा देखी? इन यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे। जो त्यौहार के समय की ज़रूरत की वस्तुएं उनमें महंगाई ज़्यादा है या बाकी दूसरे? नहीं बाकी चीज़ों में, इस सब में तो सही है।
इस बार कुछ नया? वैरायटी काफी है। आंटी आपको कैसा लग रहा है इस बार का धनतेरस, क्या खास देख रहे हैं आप? काफी साल से आप देखते हैं त्योहार और बाजार को। खास तो यही देख रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है इस बार और भीड़ भी ज्यादा है। भीड़ है? हाँ। कुछ और लोग हैं जो खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे हुए हैं, आकर्षक आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लक्ष्मी जी की जो प्रतिमाएं हैं उनकी हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और तमाम लोग पहुंचे हुए हैं उनसे। आर्थिक राजधानी मुंबई में हाल ही में आपने देखा था किस तरह से बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ मची थी। इसके बाद रेलवे की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं, लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर यात्रियों के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं, अंदर बाहर बैठने की व्यवस्था है, सुरक्षा के इंतजाम है। पारस दामा की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीते रविवार बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ते समय भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए और घायल होने के बाद रेलवे ने कुछ कड़े नियम फिर से बना दिए हैं। ऐसे में 8 तारीख तक महाराष्ट्र के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट अब नहीं मिलेगी। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना हो और जो हादसा बांद्रा में हुआ वैसा हादसा फिर ना हो। एहतियात तौर पर अब रेलवे की तरफ से एक और महत्वपूर्ण चीज़ की जा रही है, महाराष्ट्र के प्रमुख स्टेशनों पर तैयारियां की जा रही हैं जिससे भगदड़ की जो हालात हैं वो वापस ना हो। मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, ये वो टर्मिनल्स हैं जहां से हर रोज़ 20 के आसपास ट्रेन जो हैं वो यूपी बिहार जाती हैं और जब त्योहारों का सीज़न होता है उस समय ये संख्या बढ़कर 25 हो जाती है, जिसमें रिजर्व ट्रेन भी होती हैं और अनरिजर्व ट्रेन भी होती हैं। हालाँकि फेस्टिवल का सीज़न है, त्योहारों का सीजन है, तो लोगों जो भीड़ है वो काफी ज्यादा होती है, उसके मद्देनजर अब जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर एक पैसेंजर हेल्प डेस्क बनाया गया है, इस हेल्प डेस्क पर आके लोग अपनी ट्रेन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्या कुछ है, ट्रेन कितनी देरी से चल रही है, क्या कुछ है, वो सारी जानकारी के लिए यहाँ RPF के जवानों को बिठाया गया है। वहीं अगर बात करें ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और टिकट काउंटर पर भीड़ ना हो, इसी के लिए कंपाउंड के बाहर ही एक टिकट काउंटर बनाया गया है जहाँ पर एक अधिकारी को बिठाया गया है और जो अनरिजर्व्ड हैं, जो जनरल बोगी में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए यहीं से टिकट मिलती है जिससे लोगों को भीड़ का सामना ना करना पड़े। जैसे ही स्टेशन में आप एंट्री करते हैं तो यहाँ भी लोगों के बैठने की व्यवस्था पुख्ता तौर पे की गई है जिससे भीड़ ना हो। ये पूरा लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स है, अंदर से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था की गई है, लोगों को दिक्कत ना हो और भगदड़ जैसी जो स्थिति है वो फिर से उत्पन्न ना हो, इसके लिए सारे पुख्ता इंतजाम जो है वो सेंट्रल रेलवे द्वारा किए गए हैं। जब से बांद्रा का हादसा हुआ है उसके बाद और भी चौकन्ना तरीके से लोगों की सुविधा पे काम किया जा रहा है और जो भी लोग गांव जा रहे हैं त्योहारों के लिए उनका पूर्ण तरीके से ध्यान दिया जा रहा है उन पे। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। और बाजारों में अगर इस तरह से ग्राहकों की संख्या बढ़ती है तो जाहिर है सबसे बड़ी दिक्कत ट्रैफिक की आती है। अब देखें माहिम का जो ये इलाका है कंदल गली की वजह से यहाँ पर गाड़ियों की कतार पीछे आपको लंबी देर रात भी नजर आ जाएगी। तो मुंबई की हालत तो है ही, राजधानी दिल्ली में भी अगर बाजारों में रौनक है तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। प्रेरणा शर्मा की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं ट्रैफिक का क्या हाल है। मैं इस वक्त मूलचंद फ्लाईओवर पे खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ आज धनतेरस है और यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहुत रश है, बहुत धीमी ट्रैफिक चल रही है, जाम लगा हुआ है। ढौलाकुआं एम्स के तरफ से जो रोड नोएडा की तरफ जाती है DND होते हुए, वो उस पर पूरी जो है ट्रैफिक लगी हुई है, लोग परेशान हैं, घंटों से जो लोग हैं इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और लगातार जो है ये ट्रैफिक बढ़ते जा रही है क्योंकि धनतेरस का दिन है और अक्सर धनतेरस के दिन में ऐसा ही होता है कि लोग जो है खरीदारी करने निकलते हैं और ये जो पूरी धौलाकुआं एम्स से लेकर नोएडा तक की जो पूरी एक्सटेंशन है ये, यहाँ पे दो बड़े मार्केट्स भी रास्ते में पड़ते हैं, एक लाजपत नगर और दूसरा सरोजनी नगर, और लोग जो है धनतेरस को लेकर खरीदारी करने पहुँचते हैं, सोने चांदी बर्तन इन सभी चीज़ों की। तो ऐसे में जो है भारी तादाद में लोग मार्केट में निकलते हैं और ऐसे में जो है उसका जो नतीजा होता है वो होता है यहाँ पे दिखने वाला ट्रैफिक। जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की और ये जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो खरीदारी करने निकले हैं और धनतेरस का आज दिन है।
ऐसे में जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, लोग घंटों ट्रैफिक में जाम में फंसे हुए हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर पाबंदी है, किसी भी तरह से पटाखे बिक नहीं सकते, लेकिन बाजारों में देखा जा रहा है कि पटाखों की भी दुकान लग रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी अतुल रंजन ने सदर बाजार में पटाखों पर बैन पर रियलिटी चेक किया। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के फेमस सदर बाजार में हम इस वक्त, जहाँ पटाखों पर इस बार भी दिल्ली में बैन लगा हुआ है, लेकिन अभी हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से धड़ल्ले से जो है यहाँ पर जो है पटाखे बेचे जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे तस्वीरें, आप देखिए किस तरह से जो है ये मोटे मोटे बम वगैरह रखे जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर, एक मिनट फिर दिखाइए, दिखाइए भाई साहब, एक मिनट दिखाइए यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये जो है काफ़ी प्रदूषण करने वाले पटाखे हैं। आप बम देखिए, ये देखिए आप महंगे महंगे बम आप देख सकते हैं, इतने भारी भरकम आप बम देखिए यहाँ पर जो है वो किस तरह से रखे जा रहे हैं। और हमारे आने के बाद आप देखिए किस तरह से जो है, अरे भाई साहब आप ये बताइए, ये तो इस पे तो बैन लगा हुआ है ना, हम बता रहे हैं ना, दिखाइए। यहाँ आप देखिए कि किस तरह से जो है पटाखे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए पटाखों पर बैन है, लेकिन खुलेआम जो आपने देखा किस तरह से जो है वो बम जो है बेचे जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये आप देखिए, एक मिनट में भाई साहब दिखाइए, एक मिनट दिखाइए, हमारे आने के बाद जो है तुरंत जो है यहाँ पे जो है आप देखिए कि धंधा जो है इनका बंद कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि बैन होने के बावजूद आपने देखा किस तरह से खुलेआम जो है यहाँ पे बाजार जो है एकदम पूरी तरह से सजा हुआ था, कस्टमर्स जो है वो चारों तरफ से भरे पड़े थे वहाँ पे। लेकिन आप देखिए किस तरह से जो तुरंत हमारे आने के बाद जो है तुरंत जो है दुकान को बंद करके जो है लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। पटाखों पर बैन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से खुलेआम, आप देखिए एकदम सड़क के किनारे पर एकदम खुलेआम जो है पटाखे बेचे जा रहे थे। और अभी आप हमारे आने के बाद आप जैसा कि देख रहे हैं अपना अपना जो है दुकान समेट कर लोग जो है यहाँ से जो भी दुकानदार है वो निकल रहे हैं। से जगमगाएगी रामनगरी, दिखाएंगे आपको पूरी खबर और तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। अयोध्या में 30 नवंबर को 8वां दीपोत्सव मनाया जाएगा, इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है। ये रोशनी नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। रात दिन एक करके अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पर पहला दीपक जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेजर शो, आतिशबाजी और रामलीला भी होगी। इस बार के दीपोत्सव की खास बात यह है कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। इस बार का दीपोत्सव चूंकि विशेष है, राम लला के मंदिर स्थापना के बाद ये प्रथम दीपोत्सव है, तो उत्सव धर्मिता अपने चरम पर है और हम लोग जन सहयोग से भी और सरकार की विभिन्न एजेंसीज भी मिलकर इस तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं कि यहाँ पर एक बहुत अद्भुत दीपोत्सव होने जा रहा है। सरयू तट, राम की पैड़ी समेत 55 और घाटों पर 28 लाख दीपकों की रोशनी होगी। इरादा यह है कि 25 लाख से ज्यादा दिए जलें और गिनेस बुक में फिर से एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो सके। पिछले दीपोत्सव में 22 लाख 23 हजार दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बना था। कई कॉलेजों के 30 हजार छात्र कड़ी मेहनत करके एक एक दिए को सजा संवार कर कलात्मक ढंग से लगा रहे हैं। टारगेट प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने योजना बनाई है, कम से कम 28 लाख दीपक को घाटों पर सजाएं
उसमें तेल और बाती लगाएं, उसको प्रज्वलित करें, जिससे कि आसानी से 25 लाख का टारगेट बना सकें। वैसे तो हमारा टारगेट पिछली बार का है 22 लाख 23 हज़ार का, और उस विश्व रिकॉर्ड को कोई अभी तक तोड़ नहीं पाया है। तो 22 लाख 23 हज़ार से एक भी दीपक अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो भी विश्व रिकॉर्ड ही होगा हमारे लिए। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद पर्यटन विकास को लेकर दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो कि हर साल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अयोध्या से रणवीर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई की मशहूर माहिम कंदल गली से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हमारी ओर से आप सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।